अगर कोई धर्म गुरु आपसे कहे कि उसकी गर्दन उतार के लिया, आप उसको धर्म गुरु कहेंगे या आतंकवादी कहेंगे? हमारा संविधान हमारी पहचान, हमारा संविधान हमारी शान, हमारी आन हमारी बान। अगर भारत में हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी चलती है, हिटलरशाही नहीं चलती, तो हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम किस धर्म को मानते हैं, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, हम किस धर्म का सम्मान देते हैं। जिस तरह राजेंद्र पाल गौतम साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में दी और वो भीमराव अम्बेडकर साहब की थी, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बनाई थी। या तो आप ये कहिए कि भीमराव अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञा बनाकर बहुत बड़ा गुनाह करा, तो केजरीवाल साहब आपको साफ बोलना चाहिए। आप तो वैसे भी धरना जी रही है, हर बात पे धरने करते थे, आपको तो बड़ी बीमारियां रहती थी धरने करने की, कोई भी बात हुई धरने पर बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आप पंजाब में जाकर ड्रामा कर रहे थे, पंजाब में जाके ड्रामा करा और आपने वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर निकालकर बाहर फेंकी और भीमराव अम्बेडकर की करी, अब उसके बाद जिस तरह आपने दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा लेने पर आपने राजेंद्र पाल गौतम साहब का मंत्रालय वापस लिया और फिर ये कहा कि माफीनामा दीजिए कि आपने हिंदू धर्म का वो करा, तो आप जिस तरह आप देखें कि एक अयोध्या के एक संत महंत हैं जो अपने आप को कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि 50 लाख का इनाम रख रहा हूँ, वो भी राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काट कर लेकर आएगा। आप एक बात बताइए, धर्म किस चीज को कहते हैं? धर्म कहते हैं जो इंसानियत की बात बताए, इक्वालिटी की बात बताए, आपको जिंदगी जीने की बात बताए। अगर कोई धर्म गुरु आपसे कहे कि उसकी गर्दन उतार के लिया, आप उसको धर्म गुरु कहेंगे या आतंकवादी कहेंगे? वो आतंकवादी है क्या? उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कितने दिन हो गए? नहीं हुई। तो ये जो सारे के सारे धर्म गुरु बनकर बैठे फर्जी भगवा चोले में, ये आतंकवादी हैं जो आप लोगों के पीछे हैं, जो आप लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। इनके असल पेट में जो उड़ा चावल पक रहे हैं, इसलिए पक रहे हैं कि जो दलित थे वो दलित ना होके पढ़ लिख क्यों रहे हैं, क्यों ये हर मैदान में आगे हैं, क्यों ये मीडिया में आगे हैं, क्यों ये एजुकेशन में आगे हैं, क्यों ये मंत्रालय में आगे हैं। तो ये मनुवादी सोच आपको पीछे ले जाना चाहती है, इसलिए लगातार आप पर अटैक कर रही है और आपको दलित 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 कह के आपको गाली देती है। ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी धर्म अख्तियार करें, लेकिन अगर इस तरह कोई संत फर्जी आतंकवादी इस तरह की धमकियां देता है तो सरकार से आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि आज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज राजेंद्र पाल गौतम का नंबर है, एक एक करके आप तमाम लोगों का आएगा, तमाम लोगों को चिन्हित करके ऐसे आपकी गर्दनों पर इनाम रखा जाएगा, आपकी बेटियों की इसी तरह गैंग रेप करी जाएगी जैसे मनीषा वाल्मीकि का करा गया था। तो ये तमाम चीजें जो है आपको इस तरफ दर्शाती है कि आपको किस तरह एकजुट होना है, आपको किस तरह इस संगठन को मजबूत करना है, आपको किस तरह अपनी पार्टी को अपने नेताओं को मजबूत करना है और आपको किस तरह राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े होना है। बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप लोग एक हो जाइए और लास्ट मेरा कह दीजिए कि गैर परोसे उठ सकते हो, हद से हद की वारोता।